क्या बात, आज तुम अपने ख्यालों में इतनी मगन हो कि आत का आपी के बारे में नहीं पूछ रही हो। क्या फायदा एक ही बात को बार बार दोहराने का। तो तुम्हें क्या जिंदगी में वैरायटी चाहिए? जी नहीं, मैं जहां हूं जैसी भी हूं खुश हूं। आज पहली बार मैंने उस ससद को गौर से देखा था। काफी खुशकल है, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। हाँ होगी, मुझे इससे क्या, मेरा शौहर किसी से कम थोड़ी है। तो ना चाहते हुए भी उससे मेरा मवाजना चल रहा है। क्या हो गया नबी, आप उस वाक्य को भूल क्यों नहीं जाते? हाँ हुई थी मेरी मंगनी, टूट गई, किस्सा खत्म। तो क्या जरूरी है वो भी भुला देगा? उसे मैं देख रहा था, काफी ललचाए हुई नजरों से तुम्हें देख रहा था। हद करते हैं आप, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा तो अंदर जाके उसके साथ क्या बातें कर रही थी तुम? कब? ज्यादा अच्छी मत बनो शाहबार, खुद तुम्हें उसके साथ बाहर आते देखा था। अरे वो तो सालिम को टॉयलेट जाना था, जब मैं वापस लेकर आ रही थी तो असद रास्ते में मिल गए। असद मिल गए? अच्छा तो क्या कह रहे थे वो जनाब? असद आप नहीं, वो तुम्हारे जहन पर सवार है इसलिए तुम्हारी जबान से उसका नाम निकला है ना। करते नबी, आप जैसा सोच रहे हैं वो सरासर गलत है। तुम्हें क्या पता मत कर। आप अपनी गंदी ज़हनियत को लगाम दे, अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते? ऐसा भी अफसोस नहीं होता कि इतना शानदार बंदा तुम्हारे हाथ से निकल गया? अगर आज तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो तुम दुबई में ऐश कर रही होती। क्या रखा है दुबई? अब हमारे घर में किस चीज की कमी है? इस घर में जो कुछ भी है वो रईस भाई का। वो भी आपके भाई है ना, जो कुछ उनका है वो आपका भी तो है, और फिर आप भी तो कारोबार कर रहे हैं ना। अल्लाह ने चाहा तो किसी ना किसी दिन हमारी किस्मत भी चमकेगी। अगर मैं रईस भाई जितना अमीर ना हो सका तो क्या फर्क पड़ता है? तीन बोलों का रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी होता है जो दौलत की कमी उसे तोड़ दे। सच कह रही हो ना शाहपारा? बिल्कुल सच। बस यार पता नहीं क्यों मुझे असद को देख के लगा कि मैं इतना नहीं कमाता जितना वो तुम्हें दे सकता था। बस जहन भटक सके। नवीन आप भले इतना ना कमाते हैं लेकिन आपके प्यार ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। आपकी बीवी बनकर मैं पूरे खानदान में एक मोहतबर और अमीर घराने की बहू बन गई। सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी की करते हैं। इज्जत, पैसा, प्यार, सब कुछ ही तो है मेरे पास।
असद की बीवी को भी ये सब कुछ हासिल होगा, तो अच्छी बात है ना। अल्लाह साहब की झोली भर दे। ठीक कहते हैं लोग, आज तो तुम्हारा ये अंदाज, तुम्हारे ये अल्फाज हूबहू तुम्हारी अम्मी की तरह।